पड़ता हमको। लेकिन पहले इतनी सारी दुविधाएं शंकाएं, आधे से अधिक लोग फोने ना करे डर के मारे कि भैया कैसे फोन करे, भैया उनके मेहरारू हूं तो पहुंचे ना। तो अपना जो भी लेकिन थी रेडियो दूरदर्शन का, उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा, साथ रहा। सबसे पहले हमको जब नाम काम हो गया तो अंताक्षरी कार्यक्रम आता था, और अंताक्षरी कार्यक्रम में मुझे डायरेक्टर ने कहा कि मालिनी जी आपकी बार अलग अलग प्रदेश के फोक की टीम ले रहे हैं, आप इतना गाती हैं, लेकिन साथ में किसकी टीम लेंगी आप, साथ में किसको लेकर आएंगे। मैंने कहा कि साथ में, बोले कि नहीं कोई पुरुष हो, अब नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन उस समय दो तीन लोग थे जिनका नाम मेरे जहन में तुरंत आया, और मैंने उनको बताया भी डायरेक्टर को, वो बोले नहीं। और उन्होंने हमसे कहा और जरा सोचे, एकदम खांटी, तो खांटी हमने कहा कि बालेश्वर जी का, उस समय डंका बजा, हमने कहा बालेश्वर जी से जाकर के बात करते हैं। यकीन मानिए बंबई में बैठे किसी आदमी ने बालेश्वर जी का ना नाम सुना था ना कोई जानता था। मैं बालू अड्डे वाले घर में गई माँ के साथ अपने, और मिली उनसे, कहा तो उन्होंने हमसे सीधे कहा कि पैसा कितना मिलेगा। हमने कहा कि टीवी वाले पैसा ऐसा कितना देंगे नहीं पता, कंपटीशन है, जीत जाएंगे तो कुछ मिलबे करेगा, बट आवे जावे का टिकट विकेट जरूर मिली। तो उन्होंने कहा ठीक है आप तैयारी तो हम चलते हैं, तो वहाँ क्या करना होगा क्योंकि फिल्म के गाने तो आते नहीं। हमने कहा जब टीम है तो वो टीम तो हम संभाल लेंगे, आप जो गाते वो गाइएगा। वहाँ पहुँचे और वहाँ पर होली के पहले का समय था, अनु कपूर जी थे डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा सीधे कि एक होली तैयार कर लीजिए साथ में मिल के आप लोग। और वहीं पर अवरी महीनवा में बरसे न बरसे फागुनवा में रंग रसन बरसे, हमने और बालेश्वर जी ने तैयार किया। मैं क्यों बता रही हूँ किस्सा, इसलिए कि वो गाया। और उस कार्यक्रम में बड़ी बड़ी रोचक चीजें हुई, मुझे अभी भी याद है कि आदमी कितना अनुभवों से सीखता है कि उसमें उस जमाने में उस टेलीविजन पे चेहरा देखकर पहचानना होता था कि गाना पहचान लिया तो बजर दबाइए। तो उसमें गाना आ रहा था दिल चीज क्या है आप मेरी, रेखा जी गा रही थी और वो तो पहचानना था गाना, तो मैंने बजर दबाया, मैंने गाना गा दिया, अब पॉइंट्स मिल गए 20 पॉइंट। जैसे ही बीच में खत्म हुआ तो हमको बालेश्वर जी बोले कि हम तो कब धुने हम के नहीं याद हुई कभी। तो हमने कहा कि अरे आप जो गाते हैं वही कमाल है, और वो बिरहा की शैली में उस गाने को गाने लगे। मैंने जैसे ही कैमरा ऑन हुआ तो मैंने अनु कपूर जी से कहा अनु जी बालेश्वर जी जरा गाना गाना चाहते हैं इसी को दूसरे अंदाज में। अनु जी बोले वो थे मत, उन्होंने कहा कि अच्छा कैसे, तो उन्होंने कहा दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा काम मान लीजिए, बस एक बार। मैंने वह चमत्कृत हो गई कि जो रंग जमा बिरहा नुमा उस उमराव जान के गाने का, और जो लोगों में बात आई जब वो कार्यक्रम का प्रसारण हो गया, बहुत पसंद किया गया वो गाना वो एपिसोड, हजार लोगों में एक आदमी की मुंह से मैंने कहीं से ये उड़ते उड़ते सुना भी कि बताइए आईएएस अधिकारी पत्नी होता ही बालेश्वर जी के संग वहां पर नाच रही थी गा रही थी। तो आज जो सम्मान मिला है उनमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि पार करके यहाँ पर पहुंचे। और मैंने उस क्षण ये सोचा कि किसी कलाकार की क्षमता का, उसकी लोकप्रियता का, उसकी गुणवत्ता का, जिस समाज को ज्ञान ही नहीं उसको दोष क्या देना, बल्कि उस समाज के नजरिए को बदलना होगा। जो समाज भाई जैसे हम जिस गांव की परंपरा के लिए गाया जा रहा है वो समझ रहा है सराह रहा है, लेकिन जिसे पता ही नहीं वो तो अभागा वैसे ही है क्योंकि नहीं समझ पा रहा, लेकिन उसको क्या दोष देना। और तब मैंने उस समय ये सोचा कि शहरी ऑडियंस के लिए भी लोक परंपरा को बिना कोई समझौता करे हुए शब्दों में, साहित्य में और धुन में कैसे एक तरीका ऐसे निकाला जाए कि यही बिरहा, यही कजरी, चैती, बन्ना, सोहर, छूला, ये जन जन तक पहुंचे। कि 20 साल का लड़का भी आज का जमाने में 2016 का है, वो यदि काहे को प्यारी विदेश सुने तो रोए, बन्नी सुने तो उसको लगे कि हाँ हमारे गाँव में ऐसे ही शादी हुई थी, और उसको पूरा करने की सतत
प्रक्रिया रही है, प्रयास रहा है,